आज रात के खाने में मैं सोया बड़ी यानी न्यूट्रीला की सब्जी बनाने वाली हूँ और इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है बॉयल करके फिर इसको जो है इसका पानी निचोड़ करके और फिर इसको फ्राई करेंगे यहाँ पे दो मीडियम साइज़ का प्याज़ काट लिया है और दो टमाटर काट लिए हैं इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी और हरी मिर्चें काट करके डालूंगी तो इस तरह से ये सब्जी मैं बनाऊंगी आज तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ये संडे शाम का समय है लगभग पौने छ बज रहे हैं और अभी मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ क्योंकि हमें प्रदर्शनी जाना है और बच्चे कई दिन से जिद कर रहे थे अब उनका समर वेकेशन भी हो चुका है तो पापा से बोल रहे थे कि हमें ले चलिए घुमाने प्रदर्शनी लगी हुई है साल में दो बार हम लोग के शहर में प्रदर्शनी लगती है एक बार गर्मियों में एक बार सर्दियों में तो गर्मियों वाली लगी है तो वहां पे जाना है और बोले कि जल्दी से तैयार जाओ तो मैंने सोचा ना कि जल्दी से मैं सब्जी बना करके और आटा गूँद करके रख लेती हूँ ये बोले कि मैं सात बजे एकदम करेक्ट निकलूंगा तो आप लोग अपना देख लीजिए कैसे तैयार होंगे तो पौने छः बजे मैं किचन में आ गई और मैंने सोचा फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ तो जल्दी जल्दी में कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था तो क्योंकि सब्जी ऐसी बनानी होती है कि जो सब लोग मन से खा लें और टाइम रहता है तो फिर बच्चों के लिए कुछ अलग बना देती हूँ नहीं पसंद रहता है तो लेकिन अभी टाइम नहीं है मुझे एक ही सब्ज़ी में सबको एडजस्ट करवाना है तो सोया बड़ी की सब्जी सब लोग खा लेते हैं बच्चे भी खा लेते हैं और उनके पापा भी मन से खा लेते हैं तो फटाक से दिमाग में यही आया तो मैंने जल्दी से इसको बॉयल कर लिया और इसके बाद प्याज लहसुन मिर्ची अदरक इन सब का जो है आ, कुछ को काट लूंगी और कुछ का पेस्ट बनाऊँगी जैसे लहसुन अदरक और मिर्ची का अलग से पेस्ट बना लूँगी और मैंने प्याज काट लिए हैं तो यहाँ सोया बड़ी को फ्राई भी करती रहूँगी साथ में प्याज काट लिया है और देखिए लहसुन भी साथ के साथ छील रही हूँ तो ये सारे काम वैसे तो लहसुन में छिल करके रख देती हूँ फ्रिज में तीन चार दिन के लिए लेकिन जब भी कहीं अर्जेंट होता है ना तो ये ख़त्म हो जाता है तो बस इसीलिए आज थोड़ा सा ही बस सब्ज़ी के लिए ही मैं छिलूँगी क्योंकि टाइम कम है इतने टाइम में हमें तैयार भी होना है और खाना भी बनाना है तो उधर बच्चों को मैं बोल के आई हूँ कि आप दोनों लोग तैयार होइए और मैं जल्दी से सब्जी वगैरह बना करके और सूठी डाल के जाना होता है तो जल्दी हो जाता है साड़ी पहनना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन भी छील लिया है और इधर मेरा सोया बड़ी भी फ्राई हो रहा है प्याज भी काट लिया है मैंने तो बस लहसुन अदरक और मिर्ची का यहाँ पे मैं पेस्ट बना लूँगी और ये देखिए ऊपर से भाभी आई थी तो इन लोगों को मम्मी के साथ बैठ के ये लोग बातें कर रही थी तो मैं इन लोगों को चाय दे करके आई थी और साथ में मैं भी चाय पी करके आई थी तो ये लोग बैठ के बातें कर रही थी तो वही आई थी वो कप को धोने के लिए तो आ गई और मैं मना भी कर रही थी तो भी बोली नहीं मैं धुल देती हूँ तो उसके बाद उनसे मैं थोड़ी बातें भी कर रही थी और वो पूछ रही थी कि इतनी जल्दी आज खाना क्यों बना रही हैं उनको नहीं मालूम था तो मैंने बताया कि बच्चों को लेके जाना है प्रदर्शनी इस वजह से तो बस फटाफट से यहाँ पे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना करके और ये डालने से सब्जी में ना सब्जी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है सिर्फ लहसुन अदरक से भी अच्छा आता है लेकिन मैं उसमें ना दो तीन मिर्ची भी पीस देती हूँ तो उसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और प्याज को ऐसे काट करके ही डालना होता है फ्राई करके तो प्याज़ टमाटर तो काटेंगे ही तो वैसे तो सबका अपना अलग अलग टेस्ट है और सबको बनाने का तरीका भी अलग अलग है लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें दूसरों की ट्राई करने से भी चीज़ें अच्छी लगती हैं टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है इसलिए मैं आपको आइडिया भी बताती रहती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ क्योंकि मैं भी सीखती रहती हूँ जब भी मैं किसी दूसरे का कोई स्टाइल देखती हूँ तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि एक बार ट्राई करूँ अगर वो टेस्ट सबको पसंद आता है तो फिर से उसको बनाती हूँ तो अलग अलग चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए कभी जस... कभी क्या है ना कि सब्जी बनाते समय ना सब कुछ काट करके डालिए फ्राई करके जैसे लहसुन भी काट करके डालिए और टमाटर मिर्ची भी काट करके डालिए तो उसका एक अलग टेस्ट आता है जब हम पेस्ट बना के बनाते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट आता है तो हर तरह से ट्राई करती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा उसी सब्जी का अलग अलग टेस्ट आए और जो टेस्ट सबको ज्यादा पसंद आता है तो उसको बार बार फिर बनाती हूँ तो मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं और फिर देखिए यहाँ पे मैंने सोया बड़ी निकाल ली फिर प्याज को फ्राई कर लिया है और हल्का सा ब्राउन होने के बाद लहसुन मिर्ची और अदरक का जो पेस्ट बनाया है उसको डालना होता है और वो हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद टमाटर डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो टमाटर गल जाता है और इसके बाद सारे मसाले ऐड करके उनको भी खूब अच्छे से फ्राई करना होता है और सारे मसाले जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं उसके बाद हम उसमें सोया बड़ी डालते हैं और फिर जो है जितना आपको ग्रेवी चाहिए या गाढ़ा चाहिए तो उस टाइप से आप पानी डालिए और उसके बाद ढक करके और सब्ज़ी को उबाल लीजिए तो देखिए अभी मसाले मेरे भुन रहे हैं यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है मैंने और सोया बड़ी अभी तक मैंने बाहर रखी हुई है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ और यहाँ पे तनवी आई हैं पूछने कि वो कौन सा कपड़ा पहन के जाएँ तो मैंने उनको बताया तो वो फटाक से गई हैं अब वो लोग तैयार हो रहे हैं उधर और मैं भी यहाँ आटा गूँथ लूँगी और इधर सब्जी मेरी फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं भी तैयार होने चली जाऊँगी तो ये देखिए मसाले सारे भून रहे हैं और इसके साथ ही मैं आटा भी गूँथ लूँगी तो ये कई सारे काम एक साथ करते रहिए तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है और मुझे तो जाना है तो मैं और भी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आधा घंटा तो तैयार होने में ही लगेगा तो मेरी कोशिश है कि मैं साढ़े छः बजे तक फ्री हो जाऊँ ताकि मैं तैयार हो पाऊँ आधे घंटे में तो पौने छः से साढ़े छः के बीच में मैंने इतना काम किया है तो जब प्री प्लान रहता है कि जाना है कहीं तो मैं ऐसे खाना बना लेती हूँ लेकिन अगर प्लानिंग नहीं होती है तो फिर आ कर के बनाना होता है या कभी कभी क्या होता है जैसे हम लोग चले जाते हैं तो मम्मी जी भी सब्जी बना देती हैं फिर मैं आ करके आटा गूँधती हूँ और रोटी बनाती हूँ अगर देर हो जाता है तो लेकिन जब पहले से पता है कि जाना है तो मैंने सब्जी बना दिया आटा गूँद दिया है ताकि मम्मी जी को ना करना पड़े और इसके बाद जो है बच्चों को घुमा भी देंगे उन लोगों का मन है तो, तो यहाँ पे ये सारा काम हो गया और देखिए मैंने धनिया भी काट लिया है और अब देखिए सब्जी इस तरह से कुछ तैयार है अभी ये उबलेगी और पक जाएगी अच्छे से इसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे तो जब तक सब्जी पक रही है मैं यहाँ पे तैयार होने चली आई हूँ सब्जी को ढक दिया है लो फ्लेम पे मैंने सब्जी को रख दिया है और वो धीरे धीरे पक जाएगी और इधर हम लोग तैयार होने लगे हैं तो निकलते निकलते सब्जी भी पक जाएगी और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे तो यहाँ पे रेडी हो जाते हैं सूठी डाल करके जा रही हूँ मैक्सिमम मैं सूटी पहन के जाना चाहती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल रहता है और साड़ी अच्छी तो लगती है मुझे भी बहुत पसंद है साड़ी पहनना लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है इस वजह से पहनने का मन नहीं होता है आ, लेकिन अगर थोड़ा सा लगता है ना मुझे समय मिले तो मैं साड़ी डाल लूँ लेकिन नहीं मिल पाता है जल्दी जल्दी ही होता है हमेशा सब कुछ तो देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ तनवी भी तैयार हो चुकी है सुंदर और अब यहाँ पे बाबू भी तैयार हो चुके हैं तो ये तो इनका कंघी ना करो तो ये ऐसे ही निकल जाएंगे तो इनको लास्ट में मुझे देखना ही पड़ता है कि ये किस तरह से तैयार हुए हैं कपड़े वगैरह पहन लेता है बाबू अच्छे से लेकिन ये सारे काम नहीं करता है तो फाइनली हम लोग तैयार हो गए जल्दी जल्दी में और अब निकल रहे हैं

हाँ तो और मी रहता है हर बार बस वो ठंड तो बस आने के बाद हम लोग ऐसे घूम रहे थे तो मेरी नजर इस शॉप पे पड़ी जहाँ पे बहुत सारे जो है बुके वगैरह थे तो ये गुलदस्ते हैं जो कि घर में डेकोरेशन के काम आते हैं और स्टैंड वगैरह भी मिल रहे थे तो एक पीस मैंने लिया है मैं आपको दिखाऊंगी घर जाने के बाद या फिर कभी शेयर करूंगी किसी दूसरे वीडियो में और यहाँ पे तरह तरह के झूले वगैरह हैं देखिए भाई सब लेकिन ये ये देखिए बड़ा वाला झूला है इस पे भी बैठने के लिए हमें फ्री था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी भाई बस देख देख के ही हम लोग डर रहे थे किसी की हिम्मत नहीं हुई बच्चे भी बच्चे तो जिद कर रहे थे बैठने के लिए लेकिन थोड़ी देर सारे झूलों के नीचे हम लोग खड़े होकर के देख रहे थे और इसके बाद जो है लास्ट में यही डिसीजन हुआ कि नहीं कोई नहीं बैठेगा डर लगता है इनको भी बहुत डर लगता है और मुझे भी डर लगता है तो हमारी हिम्मत नहीं होती हम लोग हर बार आते हैं और घूमते हैं खाते पीते हैं और चले जाते हैं बच्चे जो लोग कहते हैं उन झूलों पे बैठा दिया जाता है बड़े वाले झूलों पे नहीं तो इन लोगों को इस तरह से मिकी माउस पे मैंने बैठाया और इसके अलावा इन लोगों को बोटिंग भी कराई और बाबू टेम्पोलिन पर भी बैठा था तो मिकी माउस पर ये लोग थोड़ा सा जो है स्लाइड हुए और खेले फिर उसके बाद तन्वी हर जगह नहीं बैठना चाहती थी अब थोड़ा सा बोटिंग किया उसने तन्मय के साथ तो देखिए ये दोनों बच्चे यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं तो यही छोटे छोटे जो खिलौने हैं बच्चों के वाले उसी पे ये लोग थोड़ा बहुत इन्जॉय किए बड़े झूलों पे हम लोग नहीं बैठे और ना ही बैठने दिया एक वो जो ट्रेन वाली होती है ना उस पर हम लोग पिछली बार आए थे तो बैठे थे शायद मैंने वीडियो शेयर किया था तो इस बार बच्चे बोल रहे थे कि हर बार उसी पर हम लोग बैठते हैं इस बार नहीं बैठेंगे तो इन लोगों का मन था कि हम लोग जो है बैठे बड़े झूले पे लेकिन एक बार की बात आपको बताती हूँ ना कि हम लोग जो बड़ी वाली बोट होती है झूले वाली बोट जो होती है उस पर तनवी के जिद करने से हम और तनवी बैठे थे और वो इतना चिल्लाई थी जब वो चलने लगा था ना कि खूब रोई थी और मुझे एकदम जकड़ के बैठी हुई थी और बार बार चिल्ला रही थी कि, कि कहो कि धीरे चलाएं लोग कहो कि धीरे चलाएं और मुझे उतार दो मैं मर जाऊँगी मैं नहीं जिंदा रहूँगी इस टाइप से बहुत चिल्लाई थी वो तो मैंने बोला कि अब मैं कभी भी इन झूलों पे नहीं बैठूंगी ना लोगों को बैठने दूंगी और बस ये सब घूमने के बाद और देखिए यहाँ पे इतना सारा स्टॉल लगा हुआ है खाने पीने का लेकिन ये लोग यहाँ नहीं खाएंगे <laughs> इन लोग का मन है बाहर से जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पे एक जगह बहुत फेमस है हम लोगों के यहाँ फास्ट फूड ही मिलता है तो वहीं अब हम लोग निकल चुके हैं और जाएंगे और बहुत गर्मी थी और देखिए आ गए हम लोग तो यहाँ पे अब हम लोगों का होगा नाश्ता और मैं खाना तो बना के आई हूँ लेकिन बच्चों का है को कुछ बाहर जब आए हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता करेंगे तो हमने फ्राइड मोमोज मंगाया है और ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं और इसके साथ ही चिली पोटैटो आएगा तो वो खा करके और ये लोग इन्जॉय करेंगे तो यहाँ पे खाते खाते तनवी का क्वेश्चन था कि मम्मी खाना क्यों बना के आई हो हम लोग घर पे खाना नहीं खाएंगे और जब हम लोग बाहर आते हैं तो तुम खाना क्यों बना के आती हो तो मैं भी चला के करती हूँ खाना बना देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ही ये लोग नाश्ता करें क्योंकि ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और बच्चों के साथ ना हम लोग भी खा ही लेते हैं कहाँ मन मानता है तो ये सारी चीज़ें अक्सर ही खा लेते हैं लोग और मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि नुकसान कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं आजकल के बच्चों को मनाना बड़ा मुश्किल सा है तो ये भी बोलते हैं कि चलो कभी कभार जैसे क्या है ना कि वीडियो भले ही आप लोगों को लगातार मिल जाती हो लेकिन ये काफ़ी टाइम मतलब महीने में एक बार दो बार ही ऐसे ये लोग खाते हैं ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा इन लोगों को खिलाते हैं लेकिन बाहर आए तो कुछ ना कुछ तो बच्चे खाएँगे ही तो आजकल तो मार्केट में यही सारे फास्ट फूड मिल रहे हैं जो कि बच्चों को भी पसंद आते हैं और हमें भी पसंद आते हैं तो कभी ना कभी हम लोग भी खा ही लेते हैं तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें खाने के बाद खूब इंजॉय किया बच्चों ने तो और मैं तो थक गई थी एकदम और इसके बाद बाबू और सब लोगों ने मैंगो शेक लिया बाबू का ही डिमांड था कि पापा मैंगो शेक पियेंगे तो फिर इसके बाद मैंगो शेक सब ने पिया और बाबू को बहुत पसंद है मैंगो शेक आम की चीज़ें वो बहुत मन से खाता है बस अब इसके बाद घर के लिए निकल गए हैं और ये व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर एक नए व्लॉग के साथ जल्द ही मिलेंगे और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा गर्मी और फिर अब मिलेंगे नए व्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय